हाय फ्रेंड्स, दिनेश ऑन व्हील के इस एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट दिनेश। आज मैं करने वाला हूं अपने वेगा फुल फेस ऑफ-रोड हेलमेट की सर्विसिंग, जो बहुत जरूरी होती है। इसका रीजन ये होता है कि इसका जो फेस माउंट एरिया है वो काफी थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जिससे इसमें सफोकेशन नहीं होती, बट सफोकेशन के साथ साथ इसमें धूल मिट्टी भी आ जाती है, बिकॉज ये ऑफ-रोड है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें क्लीन नहीं हो पाती है, इसके लिए आपको इसकी सर्विसिंग करनी बहुत जरूरी है। इस हेलमेट का रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उस रिव्यू का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज वहां पे जाकर आप देख लेना कि इस हेलमेट की क्वालिटीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। बाकी इसे इस वीडियो में मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसको आपको खोलना कैसे है, इसकी सारी चीजें, क्योंकि इसके अंदर एक वाइजर भी होता है, ये वाइजर लूज हो जाता है, इसको कैसे टाइट करना है वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इसका टॉप माउंट का जो ये वाला बटन, ये वाला जो पेज है, इसको खोलना। एक्चुअली ये इतना टाइट ही होता है, हाथ से नहीं जाता। सी, सिंपल खुल गया है, ये पीस बाहर आ गया। इसके बाद ये जो है, इसके लिए सिंपल दो पेचीज हैं जो हाथ से खुल गए। इसकी सर्विसिंग बहुत आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल खुल जाता है आराम से। अब एज यू कैन सी द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आई लव इट। अब इसकी सेकंड थिंग, इसका इसके लिए आपको पेचकस की जरूरत पड़ जाएगी, जो मेरे पास है। जो भी करें प्यार से करें, ये आपका हेलमेट है। इजी, आपका वाइजर आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कोई भी मूविंग पार्ट नहीं जो बाहर आया है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर का, बाहर का आपने सारा खोल लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर का पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसका जो माउंट एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इस वजह से होता है कि हवा अंदर जाती है, साथ में डस्ट भी जाती है। आप हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन डस्ट को रोकने के लिए मैंने क्या जुगाड़ किया है, मैंने इसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया, कपड़ा लगा दिया यहाँ पे, जो इसकी साइड की जो नेटिंग है उसकी पॉइंट से जब एक मैंने ट्रायंगल कपड़ा लगा दिया, जिससे क्या होता है ये मेरे चिन में मिट्टी आने से रुकता है। ये एक जुगाड़ है जो मैंने खुद किया है, ठीक है। ये हो गया, अब इसके अंदर की चीजें को खोलते हैं। तो सिंपल है, इसको पकड़िए, ये बटन्स होते हैं, ऐसे ही होना है। अब तुम यहां से लगा दो, अब इसके अंदर का ये जो है, ये जो चीजें है ये चिपकी हुई नहीं होती, बस ऐसे ही लगा हुआ होता है। ये आपको बाहर निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है, ये देखिए भी से बाहर आ रहा है,
कोई जल्दी नहीं जल्दी होती जल्दी करोगे तो चीज खराब हो जाएगी। उसके स्ट्रैप्स जो है ना वो साइड के लेवल में वो पूरा ही निकलेगा। ये कुछ ऐसा होता है उसके अलग एरिया। अब आपका हेलमेट बिल्कुल क्लियर ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइजर को कैसे टाइट करना है अंदर वाले को। देख पा रहे हैं ये है। ये जो पेचीज है यहाँ पे ये रही इनको आपको टाइट करना है बस बाकी काम खत्म। कितना मिट्टी हो गई है इसके अंदर। गाइस भी बिल्कुल फ्री हो गया है। ये ऐसी रहेगा इसको कुछ नहीं है। अब हम इसको साफ करेंगे फिर मैं इसको करूंगा असेंबल। तो गाइस मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। इसके जितने भी मूविंग पार्ट्स थे उन सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है और जितने भी ऐसे पार्ट जो फॉर्म से बने थे या जो कपड़े से बने थे उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। लेट मी शो यू। इसमें कुछ ये पार्ट्स होते हैं जो धुलने के लिए होते हैं राइट। अब इनको आपको ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी डेंसिटी से धो। वाई बिकॉज डिपेंड करता है आपका जो हेलमेट है वो कितना गंदा है। जैसे मेरे केस में ये था कि काफी टाइम से मैंने राइड ली थी, कई राइड्स लिए, मैं रोज ऑफिस भी जाता था तो उस वजह से क्या था इसमें काफी गंदगी जमा हो गई थी और मैंने इसको अच्छे से पानी में सोख करके धो लिया था और इनको अच्छे से सुखा लिया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऐसी चीजों में अगर आप इनको धोते हो तो इनको सुखाना अच्छे से बहुत जरूरी है। धूप लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आपने इनको थोड़ा गीले में अगर इनको आपने असेंबल कर दिया तो कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे आपके हेलमेट में स्मेल आ जाएगी, फिर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इससे अच्छा है कि इनको अच्छे से सुखा लो, बिल्कुल भी नमी का कोई चांस ना रहे, चेक कर लो उसके बाद ही इसे असेंबल करना ठीक है गाइस। ये सबसे लास्ट में होगा। जिस ऑर्डर में निकाला था हमने चीजों का उसी ऑर्डर में असेंबल भी करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो ये पार्ट और इसका ये पार्ट था उसको असेंबल करते हैं हेलमेट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इसको ये इस पॉइंट में होता है आगे से पतला पीछे से मोटा। ये मोटा जो होता है सर के पीछे वाले पार्ट में आता है राइट। ये क्या तो अब इसको हम अप करते हैं इस तरीके से और ये जो पार्ट है ये पीछे जाएगा इसको असेंबल करते हैं। अच्छे से करना है और जेंटली करना है जैसे मैंने पहले बताया था। चीज आपकी है प्यार से करिए। उसके बाद यहां साइड में कुछ क्लिप्स होती है ये देखिए जो छेद बने हुए हैं इन क्लिप्स के अंदर चले जाते हैं जिससे ये इसके अंदर लॉक हो जाता है।
ठीक है गाइस, अब ये इसकी जगह हो गया है फिक्स। अब इसको मुझे हेलमेट के अंदर डालना है। अब इसको मुझे इसके अंदर डालना है, इसलिए सबसे पहले क्या करना, आप इसके जो फीते हैं उनको ना विंडो एरिया से बाहर निकाल देना, वरना ये फंस जाएंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से डालना है, राइट। तो पहले जो बड़ा पार्ट था उसको डाल दो अंदर, बाहर है ये अच्छे से सेट हो गया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मगर आराम से करिएगा, क्योंकि तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है इसका। खैर इसके बाद ये देख लेना कि आपका जो वाइजर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था वैसे का वैसे होना चाहिए, नहीं होता तो उसको दोबारा से निकालो, उसके बाद दोबारा से सेट कर दो, जब तक आपका प्योर सेटिस्फेक्शन लेवल पे सेट नहीं होता। अब जो सबसे इसका मेन पार्ट था वो तो मैंने इसका सेट कर दिया, अब इसके बाद इसके जो बाकी चीजें हैं उसको सेट करते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर का ही पार्ट जो है इसको पहले असेंबल करना बाकी है, जो है ये पैड्स, ठीक है, ये इसको और मजबूती से इसके अंदर फिट कर देंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा उठना पड़ेगा। As you can see, इसके अंदर ये तीन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उन तीन पॉइंट्स में इसको लगाना है। ये आप इनके ऑर्डर को देख के समझ जाओगे कि ये इसको कैसे फिट करना होता है। फर्स्ट सेट इसके बाद इसी ऑर्डर में दूसरा सेट करना है, देखिए सर इसमें तीन पॉइंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर ये तीन पॉइंट्स होते हैं, लाइक वन ऐसा ही पीछे की तरफ, टू थ्री। अब इन पॉइंट्स में क्या होता है, इसी ऑर्डर पे आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है ना इसको सेट करें, उसके बाद बाकी सारे अपने आप ही उस ऑर्डर में आ जाएंगे। दूसरा बिल्कुल सेम है, फटाफट कर देता हूं मैं। ऑल सेट, ये अंदर से बिल्कुल कंप्लीट है, इसकी स्ट्राइप्स बाहर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक, अब इसके बाहर के पार्ट को जोड़ देते हैं। सबसे पहले इसका वाइजर जोड़ते हैं, जो है ये, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है सॉफ्ट क्लॉथ से। सेट के बाद इसकी चेंज, जो चीज इस तरफ हो रही है वो उस तरफ भी वही होगी, इसमें कुछ डिफर नहीं है। सो लेट मी शो यू,
एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इसको ज्यादा जोर से टाइट मत करना और ज्यादा टाइट मत करना, क्योंकि चाहे प्लास्टिक जितना भी मौजूद हो उसकी एक लिमिट होती है। वाइजर सेट, थोड़ा सा एडजस्ट मूव कर दो अकॉर्डिंग टू यू, बाकी आपका वाइजर बिल्कुल सेट है। अब इसकी बाकी चीजें, इसका बोल्ट मेरा फेवरेट है, सेट, सब चीज काम कर रही है। अंदर का वाइजर वो भी काम कर रहा है, एवरीथिंग जस्ट लाइक जो पहले था, बेटर नहीं कहूंगा क्योंकि जो चीज पहले थी वैसी की वैसी ही है, बट हाँ क्लीन जरूर होगा। देखिए गाइस, अपने हेलमेट की क्लीनिंग करना कितना आसान है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और मन को खुशी मिलती है कि आपकी चीज क्लीन हो रही है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालता रहूं। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी मोर इंटरेस्टिंग चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।